Hey guys, welcome back again on channel. आज के मॉडर्न दौर में स्मार्टफोन की मदद से हम किसी भी स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक समय था जब आप इन सब काम के लिए कंपास का यूज किया जाता था, खासतौर पर ऐसी जगह पर जहां पर आप समुद्र में फंसे हो, कहीं पे बीच समुद्र में आप फंसे हो या किसी जंगल में फंसे हो या किसी रेगिस्तान में आप बिछड़ गए हो, तो वहां पे आपको कंपास का यूज करके आप किसी भी डायरेक्शन का पता कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस कंपास के आविष्कार के बारे में। मेरे साथ मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं होमस्टेड। अगर आपने होमस्टेड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। कंपास एक ऐसा डिवाइस है जो नेविगेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस में से एक है। मैग्नेटिक कंपास सबसे पॉपुलर वेरिएंट का कंपास होता है, जबकि इस टाइप के कंपास का डिजाइन और प्रोडक्शन सदियों से बदल दिया गया है। मैग्नेटिक कंपास हमेशा से ही उत्तर दिशा की ओर इंडिकेशन करता है। मैग्नेटिक कंपास नॉर्थ पोल होता है और पृथ्वी का दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव उत्तर की ओर होता है, ऑपोजिट आकर्षित करते हैं। इस वजह से कंपास हमेशा से ही उत्तर की तरफ इशारा करता है। कंपास ऐसी जगह पर बहुत ही यूजफुल हो जाता है जहां पर डायरेक्शन का पता करना बहुत ही मुश्किल होता है, जैसे डेजर्ट, ओशन या जंगल में। कंपास से धरती पे किसी भी कोने से अब दिशा का पता लगाया जा सकता है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि आखिरकार पूरी दुनिया को दिशा बताने वाले इस कंपास का आविष्कार कहाँ हुआ था। कंपास का आविष्कार चीन में हुआ था ऐसा कहा जाता है। चीन में हान डायनेस्टी के दौरान पहली सेंचुरी और दूसरी सेंचुरी के बीच में मैग्नेटिक कंपास का आविष्कार किया गया था। इसका यूज चाइनीज लोगों ने दिशा देखने के लिए नहीं किया था, बल्कि वो लोग जियोलॉजी और भाग्य बताने के लिए इसका यूज किया करते थे। पहला कंपास एक चुंबकीय वस्तु को ब्रोंज प्लेट पर मैग्नेटाइट ओरे को सेट करके बनाया गया था। आज कंपास हमारे मोबाइल फोन्स में भी आते हैं, जिसकी मदद से हम कुछ ही सेकंड में दिशा का अनुमान लगा सकते हैं। ये भी बिल्कुल कंपास का डिवाइस की तरह काम करता है और इसमें भी हमेशा कंपास का पॉइंट उत्तर की दिशा की ओर ही रहता है। मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन में कि स्मार्टफोन में दिए गए कंपास के एप्लीकेशन से आप किसी जंगल, डेजर्ट या ओशन में से बाहर निकलने में मदद मिली है। मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर आपकी कमेंट काफी अच्छी रही तो मैं अगले वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपकी कमेंट्स को नीचे कहीं पे भी यहाँ पे मेंशन करने की कोशिश करूंगा। कंपास को सही तरीके से देखने के लिए आपको उसे सही तरीके से पकड़ना होगा। इसे हमेशा से ही फ्लैट जगह पर रखा जाता है। ट्रैवल करते समय आप इसे अपनी हथेली पर रख सकते हो और इसे ठीक सीने के सामने रख सकते हैं, लाइक इस तरह से कुछ। यहाँ पे आप रखोगे तो आपको एक्यूरेट डायरेक्शन मिल जाएगी। कंपास में एक लाल रंग की सुई होती है जो हमेशा से ही उत्तर दिशा की ओर रहती है। इसी से ही आप बाकी दिशाओं का भी पता लगा सकते हैं। उत्तर दिशा के ठीक एडवर्स में दक्षिण दिशा आती है और उत्तर से 90 डिग्री सीधे हाथ की तरफ पूर्व दिशा आती है और पूर्व के एडवर्स में पश्चिम दिशा होती है। इस तरह से सिर्फ एक दिशा से चारों दिशाओं का पता कर सकते हैं। आज दुनिया में कई सारे कंपास के वेरिएंट अवेलेबल है, जिसमें से पहला है मैग्नेटिक कंपास। ये पृथ्वी की मैग्नेटिक फोर्स से दिशा को बताता है। दूसरा है रोटेशनल कंपास, ये पृथ्वी के घूमने के से दिशा बताता है। तीसरा है रेडियो कंपास, ये रेडियो सिग्नल पर आधारित होता है। और चौथा है सन और स्टार कंपास, ये सूर्य और तारों की मदद से दिशा आपको बताता है। कंपास को इस तरह से डिजाइन और बनाया जाता है कि उसमें लगी चुंबकीय सुई फ्रीली घूम सके, ताकि वे पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में घूमकर हमें सही से और एक्यूरेट दिशा बता सके। एक सिंपल कंपास बनाने के लिए सबसे पहले एक बेस प्लेट ली जाती है, उसके बीचों बीच एक हाउसिंग लगते हैं जिस पर सुई फ्रीली घूम सके, उसके ऊपर चुंबकीय यानी कि वो मैग्नेटिक सुई लगाई जाती है। बेस प्लेट के ऊपर एक 360 डिग्री का डायल लगाया जाता है। इस डायल पर एक एरो बना होता है जिसे डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल एरो कहा जाता है। फिर उसके ऊपर एक मैग्नीफायर ग्लास सेट कर दिया जाता है और इस तरह से रेडी हो जाता है एक कंपास। और इस कंपास को आप दुनिया के किसी भी कोने पर रहकर डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। तो बस इसी के साथ आज के इन्वेंशन के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपको कुछ जरूर जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि होमस्टेड के आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मैं मिलता हूँ आपको नए इन्वेंशन के वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आजू बाजू सफाई रखिए, नियमों का जरूर पालन करें और ईमानदार बनें।